लगा जानकी मंदिर घूमे, राम मंदिर घूमे, और खाना पीना ठीक था, ट्रेन का सुविधा अच्छा है सरकार ने, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। घूमने से हम लोग को बहुत फायदा हुआ बिहार से यहाँ आने में, ऐसे बहुत दिक्कत होती बस के लेके बॉर्डर तक आना पड़ता, फिर वहाँ से गाड़ी बदलो, ऐसे कि हम लोग जयनगर से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के यहाँ जनकपुर पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, और रेल का मतलब यात्रा भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ इंडिया से नेपाल रेल सेवा होने से हम लोग को बहुत सुविधा हुई है, ये दो बार हुई है, दो बार ही चलती है, उसको थोड़ा दो चार बार और बढ़ना चाहिए, इससे और टाइम बचत होता है, पैसा का भी बचत हो रहा है और आने जाने में बहुत सुविधा हो रही है, हम लोग अच्छे से आ जा रहे हैं। ज़्यादा चलेगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा, और आएगा और भीड़ बढ़ेगी, बस से थोड़ा परेशानी होती है, ट्रेन चले ज़्यादा बार तो ज़्यादा अच्छा होगा। समय का इंतजार करना पड़ता है ट्रेन के से बस से आने के लिए, समय का ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, ट्रेन चलेगी तो ठीक रहेगा, सुविधा भी ज़्यादा होती है ट्रेन से आने में, फैसिलिटी पूरा परिवार साथ में आने में अच्छा होता है, बच्चे से लेके बड़े तक अच्छे से आ जा रहे हैं, ऐसे बस से छोटा बच्चा को नहीं ला पाते, बड़े को नहीं ला पाते। मै पुग्नु उतारे फर्केर फेरि जयनगर जानुहुन्छ, अनि जयनगर लडबेर चलेको छ त धेरै राम्रो छ। जयनगर चाहेको यहाँ जनकपुर, जनकपुर चाहिँ काठमाडौँ गए थिए पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने, जो कि अभी जो यहाँ जनकपुर स्टेशन पे है, फिर हम लोग यहाँ से जयनगर जाएंगे, ठीक, और इसका इसी में हम आए, इसी का सुविधा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फायदा हुआ ना, टाइम का बचत हुआ, परेशानी बहुत कम हुआ, यहाँ आते हैं बस ट्रेन पर बैठते हैं निकल जाते हैं, बहुत अच्छा। घूमने आए हुए थे जनकपुर, और जनकपुर से हम काठमांडू गए हैं घूमने के लिए, हमको बहुत ही अच्छा लगा घूमने में, और हम लोग घूम के जो है सो बहुत अपने आप को जो है सो संतुष्टि प्राप्त किए हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं जयनगर से, फिर जनकपुर से जयनगर हम जा रहे हैं, हम लोग वहाँ से फिर दरभंगा चले जाएंगे, दरभंगा ही हम लोगों का अपना घर है, हम लोग साल में एक बार आते ही हैं, इतना अच्छा अच्छा यहाँ घूमने में हमको महसूस हुआ, इसीलिए हम लोग साल में एक बार आते हैं, 10-15 के टीम में आते हैं घूमने के लिए, प्रत्येक साल आते हैं। उसमें क्या है, जो कुछ वृद्ध व्यक्ति भी आए थे जो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने आए हुए थे, वो लोग भी हम लोग के साथ थे, और कुछ बैचलर हम लोग थे जो घूमने के इरादा से आए हुए थे, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोग सोचते हैं फिर प्लानिंग बनाते हैं फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे हम। मैं बिहार से आया हूँ दरभंगा जिला से, और यहाँ आने में रेल यात्रा बहुत अच्छा लगा, और टाइम की बचत हुई, और हम लोग पशुपति मंदिर गए थे, वहाँ घूमने गए, वहाँ का आदमी लोग हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत ईमानदार लगा, कोई बालकनी नहीं किए, और बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग वहाँ साल में एक बार आते हैं, यही है वो समय, बहुत बहुत बचत हो रहा है, बहुत बचत हो रहा है, और यहाँ बहुत मजा आ रहा है, पहाड़ वहाँ बहुत देखिए, इधर हम लोग पहाड़ी इलाका राम्रो हुन्छ।